तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ABC4। ABC4 में हमको पढ़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोनिल कंपाउंड। तो आज इस लेक्चर में जो कवर होगा वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बेटा, हम पढ़ेंगे ABC4 कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोनिल कंपाउंड्स इस लेक्चर में जो कवर किया जाएगा वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर से पहले तो हम पढ़ेंगे कि इनको बनाते कैसे, इनकी प्रिपरेशन। एक बार ये बन जाएंगे तो उसके बाद ये क्या क्या रिएक्शन करते हैं, फिर उनके केमिकल रिएक्शन। तो पहले हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा इनकी प्रिपरेशन। तीन तरीके हैं अपने पास जो कि अपने को यहां पर पढ़ने हैं। ठीक है, तो पहला तरीका देख लेते हैं। पहला तरीका है ग्रिगनार्ड रिएजेंट, कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट से कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया जाता है। तो पहला है बाय ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो आपको पिछले ही लेक्चर में बताया था ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMGX बताया गया था आपको। तो जब आप इसकी रिएक्शन करेंगे तो मैंने आपको बताया था क्या करना है आपको, R पर मान के चलना है, क्या माइनस होता है R माइनस और MGX प्लस। बस इसी R माइनस का अपन फायदा उठाएंगे रिएक्शन कराने में। अब देखो कैसे रिएक्शन कैसे है। देखो RMGX लो, RMGX ठीक है ना, उसको किससे रिएक्ट कराओ, पहला CO2 से कराओ ईथर में। ठीक है ना बेटा, पहला रिएक्शन कराएंगे CO2 से, उसके बाद वाटर डाल देंगे H3+। तो देखो क्या होगा, तो बन जाता है RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये कैसे बना है एक बार ये देख लेते हैं, तरीका आपको बता देता हूं मैं आप कैसे बनाएंगे। इस RMGX को मैं लिखूंगा फिर से वही R-MGX+, वेरी गुड। CO2 मुझे मालूम है ऐसा होता है, CO2 मेरे को पता है। फिर से ये पाई बॉन्ड है, आपको मालूम होगा कि ऑक्सीजन होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब ये वाला पाइप बॉन्ड मैंने हटा दिया, जब ये वाला पाइप बॉन्ड मैं हटा दूंगा तो ओ क्या आएगा, ओ पर माइनस और सी पर क्या आएगा बेटा, प्लस आएगा। तो ये वाला माइनस वाला पार्ट किस पे जाएगा, जहां पर प्लस है। तो माइनस वाला पार्ट जाएगा जहां पर क्या है, प्लस है। सही क्या ना, मैंने देखो ये आर माइनस कहां पर जाएगा, जहां पर प्लस है, कार्बन पर प्लस था जोड़ दिया, और फिर जो अपन ने यहां पे H प्लस इस्तेमाल किया था H3+ वो यहां पर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, RCOOH। ऐसे बनाना है, वरना आप डायरेक्ट याद रखें जहां पर MGX लगा है वहां पर लगा देंगे COH, COO यहां से और H यहां से। कैसे बनाया वो मैंने आपको यहां पे दिखा दिया है, जो आपको सही लगे आप वो ध्यान रखें। डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं RMGX होगा, CO2 और H+ होगा। तो जहां पर MGX लगा है वहां पर उठा के क्या लगा दें आप, COH, और रिएक्शन आपकी हो गई और ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा बनके तैयार हो गया। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसके, कुछ एग्जांपल देख लिए जाएं। जैसे कि मैं आपको दे दूं, ये लो CH3MgCl, CO2 ईथर में H3+, बताओ क्या बनाओगे। फिर से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको, जहां पर MgCl है वहां पर क्या लगा देंगे आप, CO, O और H यहां से। तो क्या बन जाएगा, CH3COOH। एकदम आसान रिएक्शन है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। एक और ले लो MgBr, फिर से CO2 ईथर, दूसरा है H3+। फिर से आपको क्या करना है, जहां पर MgBr लगा है वहां पर COH लगाना है बस, बाकी पीछे क्या है उसकी परवाह ना करें आप, है ना, पीछे कुछ भी हो परवाह नहीं है। MgBr जहां पर है वहां पर COH आएगा, तो यानी जो है वो वैसे का वैसा रहने दो, जो है वैसे का वैसा ही रहेगा। देखो ऐसा था ऐसा ही लगाया मैंने, बस MgBr की जगह मेरे को क्या लगाना है, COH। और ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो गया, बन के तैयार हो गया। तो ये एक तरीका है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का। अब देखते हैं अपना दूसरा तरीका, दूसरा तरीका ये जो था पहला तरीका अपन ने बनाया किससे, ग्रिगनार्ड से। अब दूसरा तरीका है बेटा ऑक्सीडेशन, दूसरा तरीका है ऑक्सीडेशन का। तो है दूसरा मेथड, वो है ऑक्सीडेशन ऑफ
ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल एंड एल्डिहाइड। तो इनका ऑक्सीडेशन हम कराएंगे तो हमें क्या मिलता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। अब इसमें जो मेन बात होती है वो मेन बात है आपको रिएजेंट पहचानना है कि ये रिएजेंट ऑक्सीडेशन करता है, और वो रिएजेंट कौन कौन से हैं आप एक बार वो पहचान लेंगे आपका काम आसान हो जाएगा। तो रिएजेंट आपको लिख देते हैं, पहला है KMnO4। KMnO4 कोई भी मीडियम हो, न्यूट्रल मीडियम हो तो भी चलेगा, एसिडिक मीडियम हो तो भी चलेगा, या फिर बेसिक मीडियम में कराएंगे तो भी चलेगा, ठीक है ना बेटा, तो भी चलेगा। और रिएजेंट क्या है, और है K2Cr2O7 और है CrO3। ये दोनों किस में चलेंगे बेटा, इन एच प्लस, यानी एसिडिक मीडियम में, इन एच प्लस। तो ये आपके पास रिएजेंट रहेंगे। रिएजेंट एक बार फिर से देख ले आप, KMnO4 चाहे न्यूट्रल मीडियम में ले लो, एसिडिक मीडियम में ले लो या बेसिक मीडियम में। दूसरा है हमारे पास K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, CrO3 एसिडिक मीडियम में। तो इनका काम क्या होता है, प्राइमरी एल्कोहल और एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करना होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, ये रिएजेंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे ही आप रिएजेंट पहचान लेंगे तुरंत आपका रिएक्शन हो जाएगा। चलो तो देख लेते हैं रिएक्शन एक दो, है ना। सबसे सिंपल ले लेते हैं पहले CH3 CH2 CH2 OH। ये मैंने ले लिया, एक एल्कोहल ले लिया, प्राइमरी एल्कोहल है। यहां पे ले लिया मैंने KMnO4 H+। तो क्या करेंगे आप, जहां पर क्या लगा हुआ है OH, वहां पर क्या हो जाएगा उस कार्बन का, COOH हो जाएगा, यानी CH3 CH2। ये क्या था, CH2OH, इसका क्या हो जाएगा, COH। तो इसका हो जाएगा बेटा COH। एकदम आसान रिएक्शन है ना, एकदम आसान है। और देख लो, अगर मैं कुछ ऐसा लिख देता हूं तो मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, फिर से क्या करना है, जहां पर OH है जिस कार्बन पर, उस कार्बन का आप क्या बना देंगे, COH। रिएजेंट देख ले फिर से, KMnO4 OH- एक ही बात है, एच प्लस हो चाहे OH-, एसिडिक बेसिक दोनों मीडियम में अपना KMnO4 काम करता है। तो क्या करेंगे आप, सबको सेम टू सेम बनाएंगे, सबको सेम टू सेम बनाएंगे, देखो ऐसे है ना, यहां तक सेम बनाया, यहां तक मैंने सेम बनाया। इस कार्बन पर क्या लगा हुआ था, OH, इस कार्बन पर लगा हुआ था OH, तो इस कार्बन का क्या हो जाएगा बेटा, COH, यानी ये कार्बन का हो जाएगा COH। एक तरीका आपके पास ये है, एकदम सरल सरल तरीके हैं, बस सारा खेल होगा फिर से रिएजेंट पहचानने का। अगर आप रिएजेंट पहचान जाएंगे रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, और देखते हैं एग्जांपल, और एग्जांपल ले लो, ये ले लिया मैंने CrO3H+। तो मुझे मालूम है फिर से CrO3 का क्या काम होता है, ऑक्सीडेशन करना किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इस CHO का ऑक्सीडेशन किस में हो जाएगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। बाकी सब सेम टू सेम। देखो बाकी सब सेम टू सेम, बस CHO का ऑक्सीडेशन किस में हो जाएगा, COH में। एकदम आसान है। और देख लो, K2Cr2O7H+ ये भी यही काम करता है, K2Cr2O7 भी यही काम करता है, OH को किस में बना देगा, COH में। जो ये आपका CH2OH है किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, COH में। बाकी सब सेम टू सेम, देखो बाकी सब सेम टू सेम लिखा, जो CH2OH था वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, COOH में। तो ये आपके पास हो गए दो तरीके, एक ग्रिगनार्ड और एक ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। अब लेते हैं अपन तीसरा तरीका कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का। तो जो आपके पास तीसरा तरीका है वो है बाय हाइड्रोलिसिस, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। अब देखो हाइड्रोलिसिस क्या होता है, लिसिस का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है ना, हाइड्रो मतलब वाटर से, किसी बॉन्ड को वाटर से तोड़ना हाइड्रोलिसिस होता है। बहुत आसान है, देखो कैसे
पहला लेते हैं इसका हाइड्रोलिसिस, पहले अपन करते हैं किसकी, एसिड क्लोराइड के, ठीक है ना। तो पहले अपन बनाएंगे किससे, एसिड क्लोराइड से, फ्रॉम एसिड क्लोराइड। बहुत आसान है, देखो एसिड क्लोराइड क्या होता है, ये होता है आ सी डबल बॉन्ड ऑफ सी एल, ये एसिड क्लोराइड हो गया। आपको दिया रहेगा H3O+, तो आप समझ जाएंगे H3O+ दिया रहेगा तो हाइड्रोलिसिस आपको कराना है, ठीक है ना। देखो कितना आसान है, अभी मैंने आपको बोला हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है बॉन्ड को तोड़ना किससे, वाटर से। तो आप प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, इधर देखें एक बार, ये वाला बॉन्ड अगर हम तोड़ेंगे, ये वाला बॉन्ड अगर मैं तोड़ता हूं, ठीक है ना, ये वाला बॉन्ड अगर मैं तोड़ता हूं, तो मुझे मालूम है कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन है, ठीक है ना। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर जाता है माइनस चार्ज, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बेटा उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज। तो यानी यहां पर आएगा पॉजिटिव, यहां पर आएगा पॉजिटिव, और सीएल पर क्या आएगा, नेगेटिव। बहुत अच्छी बात है। अब मुझे बताएं हम किससे बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, वाटर से। वाटर क्या होता है, H2O, वाटर में होता है H+ और OH-, क्या होता है बेटा, H+ और OH-, बाकी मुझे पता है। फिर माइनस वाला किस पर जाएगा, प्लस वाले पर। तो यहां पे देखो प्लस वाला ये रहा, माइनस वाला ये रहा, माइनस वाला ये रहा, प्लस वाला ये रहा, यानी क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O। जब ये बॉन्ड टूट गया है यहां पर क्या आ गया, प्लस, कौन आएगा इस पर, माइनस वाला OH प्लस। जब ये बॉन्ड टूट चुका है तो इस पर क्या आया, माइनस, यानी इस पर कौन आएगा, प्लस वाला, प्लस HCl। ऐसे आपको प्रोडक्ट बनाना सीखना है, एकदम आसान है, ज्यादा टेंशन वाली बात इसके अंदर है नहीं, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं एक दो, ताकि फिर आपको आइडिया हो जाए कि ये आसान है कितना। अब जैसे मैं आपको दे दूं CH3, CH2, COCl, H3O+, फिर से मुझे मालूम है, देखो ये बॉन्ड टूटेगा, इस पर क्या आएगा, प्लस, इस पर क्या आएगा, माइनस। इसका मतलब जो वाटर से H+ और OH- आ रहा था, तो वो OH- जाएगा प्लस वाले पर, H+ जाएगा माइनस वाले पर। तो बेटा प्रोडक्ट क्या बनाएंगे आप, CH3, CH2, COH प्लस HCl, ठीक है ना। और एक और खास बात, क्या ये एक एसिड है, हाँ, क्या ये भी एक एसिड है, हाँ, यानी एसिड क्लोराइड के हाइड्रोलिसिस पर जो दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं दोनों एसिड होते हैं, है ना। एकदम आसान है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। एक और देख लो, H3O+ क्या बनाएंगे, फिर से ये वाला बॉन्ड टूटेगा सर, यहां पर आएगा प्लस, यहां पर आएगा माइनस, प्लस वाले पर फिर से क्या आएगा, OH, प्लस वाले पर क्या आएगा, OH, तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, OH प्लस HCl। अब एकदम रिएक्शन आसान हो गई है, बस आपको पहचानना एक बार कि हाँ ये तो हाइड्रोलिसिस वाला है ना। बहुत आसान है सारा, चाहे तो आप एक और देख लें एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। फिर से H3O+, फिर से आपको क्या करना है, इस फिर से ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, Cl पर आएगा क्या, माइनस, प्लस, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे आप, OH, तो pH, CH2, CH2, COH प्लस HCl। एकदम आसान है, कोई ज्यादा घबराने वाली बात इसके अंदर है नहीं, है ना। अब देखते हैं दूसरा, ये तो अपन ने बनाया एसिड क्लोराइड से, और अब हम बनाने जाएंगे किससे, एस्टर से। अब हम बनाएंगे बेटा फ्रॉम एस्टर, फ्रॉम एस्टर, ये हमारा हो गया कौन सा पॉइंट, सेकंड, एस्टर का हाइड्रोलिसिस। फिर से ये भी बिल्कुल सेम टू सेम उसी की तरह है, पहले अपन एक जनरल एस्टर बना लेते हैं, कोई है ना, जनरल एस्टर बना लेते हैं, ये मैंने कोई अपना जनरल एस्टर बना लिया है, ठीक है ना। क्या करूंगा, हाइड्रोलिसिस, ये अपन ने हाइड्रोलिसिस कर दी। अब फिर से कौन सा बॉन्ड तोड़ना है, बिल्कुल सेम जैसे अपन ने पहले किया था, यही करेंगे कि सर ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तोड़ दिया। फिर से बताओ कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, तो प्लस चार्ज किस पर आएगा सर, कार्बन, कार्बन पर आएगा प्लस, ओ पर आएगा माइनस, यानी इधर आएगा आपका प्लस और इधर आएगा आपका क्या, माइनस, ठीक है ना। फिर बॉन्ड किससे तोड़ रहे हैं अपन, वाटर से, वाटर में क्या है, H+ OH-,
तो सर H प्लस जाएगा इधर और OH माइनस जाएगा इधर, तो अपना प्रोडक्ट क्या आएगा, R C OH प्लस R डैश OH। एकदम आसान है प्रोडक्ट गैस करना, है ना, बहुत आसान है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा रिएक्टेंट है ऐसा, या कौन से कंपाउंड है, ABCD आपको चार ऑप्शन दिए रहेंगे, जो हाइड्रोलिसिस पर एसिड और एल्कोहल देता हो, है ना। देखो हाइड्रोलिसिस पर एसिड और एल्कोहल आ रहा है तो आपको क्या देखना रहेगा ऑप्शन में, एस्टर, है ना, एकदम आसान है। कुछ एग्जांपल इसके भी देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं इसके भी, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ सी टू एच फाइव एच थ्री ओ प्लस। तो कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे अपन, ये वाला, किस पर प्लस आएगा सर, कार्बन पर, ओ पर क्या आएगा माइनस, तो OH माइनस किस पर जाएगा, कार्बन पर, तो अपना प्रोडक्ट आएगा बेटा CH3 सी डबल बॉन्ड OH प्लस सी टू एच फाइव OH। एकदम आसान है, सरल है एकदम। एक और लीजिए आप, PH सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, क्या कराएंगे अपन इसका भी हाइड्रोलिसिस, फिर से सर ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे हम, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, यहां पर आएगा माइनस, यहां पर आएगा प्लस, तो जहां पर प्लस आएगा वहां पर मेरा क्या पहुंच जाएगा, OH प्लस CH3OH। एकदम आसान है, कोई ज्यादा इसमें घबराने वाली बात है नहीं, है ना, अब आप सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, इसके कोई दिक्कत आने वाली आपको नहीं है। चाहे तो एक और ले सकते हैं आप रिएक्शन, ये वाली एक रिएक्शन ले लो, फिर पीछे कुछ लगा है उसमें आपको परवाही नहीं है ना, आपको तो बस ये देखना है मेरा रिएक्शन साइट कहाँ है, रिएक्शन साइट मेरा यहाँ है, इधर आप कुछ भी लगाएं, इधर आप कुछ भी लगाएं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो वैसे का वैसा ही रहने वाला है। हमें जो फोकस करना है वो सिर्फ इस बॉन्ड पर करना है, रिएक्शन साइट पर, फालतू का दिमाग नहीं लगाएंगे अपन। फिर से ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, यहां पर क्या आएगा प्लस, तो OH भी जाएगा इधर, तो क्या बन जाएगा बेटा, COH प्लस C2H5OH। एकदम आसान रिएक्शन, है ना, सारी हाइड्रोलिसिस ऐसी हैं, सारी A to Z, आसान आसान है एकदम। अगला देखते हैं, अगला हाइड्रोलिसिस देखते हैं एनहाइड्राइड का, ठीक है ना, अगला देखते हैं हाइड्रोलिसिस किसका बेटा, एनहाइड्राइड का, तीसरा फ्रॉम एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, होता है R C डबल बॉन्ड O O, ये होता है बेटा क्या, एनहाइड्राइड। फिर से क्या डालेंगे अपन, H3O प्लस, अपन ने H3 प्लस डाल दिया, फिर से बॉन्ड तोड़ो, तोड़ दिया सर, तो यहां पर क्या आएगा प्लस, यहां पर क्या आएगा बेटा माइनस, इधर आएगा प्लस, इधर आएगा माइनस। फिर से बॉन्ड किसे तोड़ रहे अपन, वाटर से, वाटर में क्या होता है H और OH, तो OH माइनस किस पे जाएगा प्लस, H किस पर जाएगा माइनस पर, तो आपके पास क्या आएगा, देखो R C डबल बॉन्ड O OH प्लस, इधर O माइनस पर क्या आ जाएगा बेटा H, तो इधर भी आ जाएगा OH C डबल बॉन्ड O R। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों प्रोडक्ट है हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड है। फिर से क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से कौन सा रिएक्टेंट ऐसा है जो हाइड्रोलिसिस होने पर दोनों के दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। बहुत आसान हो गया, आपको बस ऑप्शन में क्या देखना है, फिर एनहाइड्राइड, खत्म बात। एक बार आप ऑप्शन में देखें एनहाइड्राइड और आंसर लगा के आ जाए, बात खत्म हो गई, एकदम बहुत आसान है, है ना, बहुत आसान आसान है। बस आपको बॉन्ड तोड़ना है, प्लस माइनस लगाना है, वाटर का एच प्लस OH माइनस होता है, उसके बाद सबसे सिंपल काम है प्लस से माइनस को जोड़ना है, है ना, एकदम सरल है। एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं इसके, H3O प्लस, फिर से ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, तो यहां क्या आएगा प्लस, है ना, और यहां क्या आएगा बेटा माइनस, तो जहां पर प्लस आएगा वहां पे हमारा पहुंच जाएगा OH प्लस CH3COH। एकदम इजी रिएक्शन है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं आई। और देखते हैं इसके एग्जांपल दो तीन और,
अब मैं ये ले लेता हूँ सी एच थ्री सी ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी टू एच फाइव एच थ्री ओ प्लस। फिर से ये वाला बॉन्ड तोड़ो, ये वाला बॉन्ड मैंने तोड़ दिया, जब मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ दूंगा यहां पर क्या रहा बेटा प्लस, है ना, यहां पर क्या रहा बेटा माइनस। फिर से सेम टू सेम वही हरकत सी एच थ्री सी ओ एच प्लस, इधर क्या बन जाएगा सी टू एच फाइव सी ओ ओ एच। अब अगर किसी के मन में ये आता कि सर मैं तो बॉन्ड को यहां से भी तो तोड़ सकता था, अगर मैं इसी को ऐसे लिखता, यहां से लिखता मैं सर बॉन्ड को यहां से तोड़ना चाहता हूं तो मैं क्या करूं, तो आप यहां से तोड़ लो, अगर आप यहां से तोड़ोगे तो इधर क्या आएगा प्लस, इधर क्या आएगा माइनस। फिर से आप अगर प्रोडक्ट बनाएंगे तो बेटा क्या बनेगा, जहां पर माइनस आया था वहां पे आप एच लगाएंगे तो सी एच थ्री सी ओ ओ एच प्लस, जहां पर प्लस आया है वहां पे आप क्या लगाएंगे ओ एच लगाएंगे, ओ एच माइनस सी टू एच फाइव सी ओ एच। तो अगर आप देखेंगे तो आंसर क्या आ रहा है सेम, तो आंसर सेम ही आएगा, दोनों के दोनों एसिड ही आएंगे, कहीं से भी आप इसको तोड़ दीजिए ना, कोई चिंता वाली बात इसमें है नहीं। बाकी और रिएक्शन देखते हैं इसकी, और रिएक्शन देखते हैं। और देख लो रिएक्शन, ये रिएक्शन हो गई। कैसे करेंगे इसको फिर से, बॉन्ड को तोड़ो प्लस माइनस बस, जहां पर प्लस आया है वहां पे फिर से क्या लगा देंगे OH, तो क्या आ जाएगा बेटा PH CH प्लस PH CH। एकदम आसान रिएक्शन हो गया ना, कोई ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है इसके अंदर। चलो अब आगे देखते हैं हाइड्रोलिसिस और किसी का। अब देखते हैं अपन हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइड, चौथा है अपना फ्रॉम अमाइड। अब अमाइड से कैसे करते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए अमाइड क्या होता है बेटा, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू। अब तो आप खुद से प्रेडिक्ट कर सकते हैं आंसर क्या होगा ना, इतना आपको मालूम पड़ गया है, सब कुछ सेम रहेगा, आप बिल्कुल खुद से प्रेडिक्ट कर सकते हैं इसके हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या होने वाला है। देखो आर सी ओ एन एच टू एस थ्री ओ प्लस। फिर से इतना तो मालूम पड़ गया सर, ये वाला बॉन्ड जाने वाला है, तोड़ना है अपने को, किससे तोड़ना है वाटर से, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो मुझे बताएं कार्बन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन है, तो माइनस इस बार कौन लेगा नाइट्रोजन, प्लस कौन लेगा बेटा, प्लस लेगा हमारा कार्बन। तो फिर से जहां पर प्लस आया है वहां पर कौन आएगा OH, तो ये बन गया अपना आर सी ओ एच प्लस, माइनस इधर था एन पर, अब यहां पे क्या आ जाएगा बेटा एच प्लस, तो आ गया एन एच थ्री। अब बस एक चीज का आपको यहां पे ध्यान रखना है, आपको जो मीडियम इधर दिया गया एस थ्री प्लस वो क्या है एसिड है, एसिड एन एच थ्री के पास क्या होता है लोन पेयर, वो एक बेस है लुइस बेस है, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है, ये बेस एच प्लस को ले लेता है तो हमें एन एच थ्री की जगह मिल जाता है एन एच फोर प्लस, ठीक है ना। बस इतना आप ध्यान रखें कि जो NH3 बनता है वो H प्लस को ले लेगा और क्या बना लेगा NH4 प्लस, क्योंकि हमारा जो मीडियम चल रहा है वो क्या है एसिडिक, और आपको याद होना पता होना चाहिए इतना कि एसिड मीडियम में बेस रह नहीं सकता है, क्योंकि वो तो एसिड बेस रिएक्शन करके ही रहता है ना। एकदम आसान है, देखो आप खुद से प्रिडिक्ट कर पाए प्रोडक्ट क्या होने वाला है। अब रिएक्शन देख लेते हैं इनके, कुछ कुछ रिएक्शन रिएक्शन देख लो सी एच थ्री सी ओ NH2 एस थ्री प्लस। फिर से ये बॉन्ड तोड़ेंगे अपन, यहां पर क्या आएगा सर प्लस, यहां पर क्या आएगा माइनस, सेम सब कुछ सेम है अब, तो सी एच थ्री सी ओ एच प्लस एन एच फोर प्लस, एकदम आसान हो गया रिएक्शन। और देख लो पी एच सी ओ एन एच टू, फिर से सर तोड़ो इसको, तोड़ दिया यहां पे ओ एच और यहां पर फिर से एच, वही प्लस से माइनस ही मिलाना अपने को बैठ के, और कुछ काम नहीं करना है हाइड्रोलिसिस में, है ना, बहुत आसान है बहुत, ये बन गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं आई। और देख लो आप
फिर से क्या करेंगे, फिर से सर ये वाला बोन तोड़ेंगे अपन, तो यहां पर आएगा प्लस, यहां पे आएगा माइनस, तो जहां पर प्लस आ रहा है वहां पर माइनस वाले को अपन को लगा देना है, तो क्या बन जाएगा सी ओ एच प्लस एन एच फोर प्लस, एकदम आसान आसान रिएक्शन है ना। चलो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, बहुत सरल है, एकदम सरल है। अब देखते हैं अपन आगे, आखिरी हाइड्रोलिसिस देख लेते हैं, है ना, इसी के साथ हमारा ये प्रिपरेशन खत्म हो जाएगा, फिर हम आ जाएंगे किस पर, केमिकल रिएक्शन पर। अब जो अगला हमको देखना है वो है फ्रॉम नाइट्राइल्स, मतलब किससे बेटा, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन से, इससे देखना है। अभी तक हमने जो भी बॉन्ड तोड़े सब सिंगल बॉन्ड तोड़ा है, यहां पर तो सर तीन बॉन्ड आ गए, अब इसका प्रोडक्ट मैं कैसे बनाना सीखूं मुझे बताओ, तो आपको बताते हैं आप इसका प्रोडक्ट कैसे बनाना सीख सकते हैं। तो देखो आर सी एन एच थ्री ओ प्लस, थोड़ा ध्यान से देखना इसको, है ना, हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो जाए। हमें इतना मालूम है कि बॉन्ड तोड़ते हैं सर, प्लस माइनस लगाते हैं, है ना, माइनस वाले को प्लस से जोड़ देते हैं, प्लस वाले को माइनस से जोड़ देते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा हर जगह एक एक बॉन्ड था सर, एक एक बॉन्ड था, अब यहाँ पे कितने बॉन्ड आ गए, तीन, तो क्या करूं, तीनों को तोड़ दो, तीनों को तोड़ दिया। अब मुझे बताएं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन पर क्या आएगा माइनस, जब एक बॉन्ड टूटता है तो एक माइनस, अब कितने बॉन्ड टूट गए, तीन, तो तीन के तीन माइनस, और ऐसे ही कार्बन पर कितने आ जाएंगे बेटा, तीन प्लस, यानी आर प्लस प्लस प्लस, नाइट्रोजन पर तीन माइनस, ठीक है ना, ये आपको सिखा रहे हैं प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है। फिर से मुझे क्या पता है, मुझे पता है सर जहां पर प्लस होता है वहां पर मैं लगाता हूं OH माइनस, वहां पर मैं क्या लगाता हूं बेटा OH माइनस, जहां पर माइनस होता है वहां पर मैं क्या लगाता हूं H प्लस, कितने माइनस हैं, तीन, तो H प्लस भी कितने आएंगे, तीन, कितने आएंगे बेटा, तीन, ठीक है ना, यहां पर कितने प्लस हैं, तीन, तो OH माइनस भी कितने आएंगे, तीन, तो R C OH OH OH। इतना बनाने के बाद थोड़ी सी केमिस्ट्री की नॉलेज चाहिए आपको, पहला तो ये तो मालूम होगा एसिडिक मीडियम में NH3 रहेगा नहीं, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किसमें, NH4 प्लस में, ठीक है सर ये तो हम सीख गए, इसका बताइए आप। अब यहां पर आपको थोड़ी केमिस्ट्री की नॉलेज ये चाहिए कि एक कार्बन पर दो OH स्टेबल नहीं होते हैं, कि एक कार्बन पर दो OH स्टेबल नहीं होते हैं, तो क्या करते हैं अपन, वाटर बाहर निकाल देते हैं ना, तो इसमें से अगर आप वाटर बाहर निकाल देंगे, वाटर OH और H क्या बाहर निकाल देंगे आप, वाटर, तो बेटा क्या बन जाएगा, R C डबल बॉन्ड O OH। अब ये आपका असली प्रोडक्ट है आर सी ओ एच प्लस एन एच फोर प्लस, आसान है बिल्कुल सेम उसी की तरह, बस हल्का सा फर्क आ गया यहां पर, वो फर्क क्या आ गया है, तीन बॉन्ड थे तीनों तोड़ूंगा, तीन प्लस तीन माइनस, तीन माइनस तो तीन एच, तीन प्लस तो तीन ओ एच। अब जब तीन ओ एच आ जाएंगे तो हमें मालूम होना चाहिए एक कार्बन पर दो ओ एच स्टेबल नहीं होते, यहां तो फिर भी तीन तीन लगे है ना, तो क्या निकाल देंगे अपन, वाटर, और जैसे ही वाटर बाहर निकाला ये बॉन्ड उठ के कहां जाएगा, इधर, और बन गया बेटा आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार हो गया। एकदम इजी इजी रिएक्शन है, कोई ज्यादा घबराने वाली बात है नहीं, रिएक्शन देख लेते हैं इसकी, है ना, एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, और अगर आपको अब जनरल आ गया है तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि रिएक्शन साइड तो ये है, पीछे आप आर की जगह कुछ भी लगाते रहो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो सेम का सेम रहने वाला है, आपको जो फोकस होना चाहिए मेन वो होना चाहिए रिएक्शन साइट पर, बस और कहीं नहीं। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, एग्जाम्पल देख लेते हैं, सी एस थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड एन एस थ्री ओ प्लस, तो मुझे मालूम पड़ गया तीनों बॉन्ड टूटते हैं सर, और आता है हमारे पास सी एस थ्री सी ओ एच प्लस एन एच फोर प्लस, एकदम सरल हो चुका है अब आपके लिए, देखो और देखो पी एच सी एच टू सी ट्रिपल बॉन्ड एन एस थ्री ओ प्लस, फिर से इसको तोड़ दो, फिर से क्या हो जाएगा पी एच सी एच टू सी ओ एच पी एच सी एच टू सी ओ एच प्लस बेटा एन एच फोर प्लस, कोई घबराने वाली बात ही नहीं है ना, एकदम आपके लिए बहुत सरल हो चुका है सारा,
ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको बस यहाँ पे फोकस रखना है, पीछे आर कुछ भी हो वो तो सेम टू सेम रहने वाला है, आपको उसमें घबराना ही नहीं है। जैसे ये देख लो, मुझे देखना ही नहीं है पीछे क्या है, मुझे तो बस अपने सीएन से मतलब है कि मेरा सीएन कहाँ है, जहां पर सीएन है वहां पर मुझे सीयूएच करना है, मेरे को उससे मतलब है बस। सी ओ ओ एच प्लस एन एच फोर प्लस, एकदम आसान आसान रिएक्शन है ना, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसी के साथ जो पूरा होता है वो है प्रिपरेशन। अब हमको देखने बेटा केमिकल रिएक्शन, अब आते हम केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पर। अब हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन, सारी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, नेम रिएक्शन हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है, जितने भी रिएक्शंस के नाम होते हैं आपको पूरा टिप्स पर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं जितने भी नेम रिएक्शन। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बनाना अपन ने सीख लिया है ना, बनाना एकदम आसान है, केमिकल रिएक्शन और भी आसान है, केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पांच रिएक्शन ही पढ़नी है अपने को, ज्यादा नहीं है, तो स्टार्ट करते हैं पहली रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन है एच वी जेड रिएक्शन, कौन सी बेटा, एच वी जेड रिएक्शन, फुल फॉर्म होती है हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, या इसकी फुल फॉर्म है, प्यार से बुलाते हैं एच वी जेड, आप भी इसी से याद रखें एच वी जेड के इसको नाम से, ठीक है ना। अब देखो ये रिएक्शन वो ही कर पाएगा जो इसको पहचान पाएगा, अगर आप रिएक्शन नहीं पहचान पाए देखते ही रिएजेंट से कि सर ये एच वी जेड है तो आप प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे दिमाग लगाने पर भी, है ना, क्योंकि थोड़ा अलग रिएक्शन, और जितनी भी नेम रिएक्शन होती है वो थोड़ी अलग होती है इसलिए उनका नाम होता है, तो नेम रिएक्शन आपको पूरा रिएजेंट के साथ ही मालूम होना चाहिए तभी आप उसको कर पाएंगे। तो देखो रिएक्शन होती कैसे है, आर सी एच टू सी ओ एच, ठीक है ना, तो आपको इधर दिया रहेगा पी एक्स थ्री और रेड फॉस्फोरस कोमा एक्स टू पहला, और दूसरा दिया रहेगा बेटा एच टू, ठीक है ना, ये आपको दिया रहेगा, यही इसकी पहचान है, यही रिएजेंट जो है यही इसकी पहचान है, और वो रिएजेंट क्या है पी एक्स थ्री और रेड फॉस्फोरस किसके साथ X2 के साथ और वाटर, ये इस रिएक्शन की पहचान है। अब देखो करना क्या है, बहुत आसान है, एक बार आपने रिएजेंट पहचान लिया कि सर ये एच वी जेड रिएक्शन है, उसके बाद आपका प्रोडक्ट एक सेकेंड में बन जाएगा, और वो आपको क्या करना है, ये क्या लगा है सी ओ एच, सी ओ एच से जुड़ा अगला कार्बन, सी ओ एच से जुड़ा अगला कार्बन, उस कार्बन पे एक हाइड्रोजन को हटाएं और हेलोजन यहां पर लगा दें, तो आर सी एच एक्स सी ओ ओ एच, ये इसका प्रोडक्ट है। तो ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको एकदम ध्यान होगा कि हाँ ये तो कौन सी रिएक्शन है बेटा, ये तो सर एच वी जेड रिएक्शन, अगर ध्यान में नहीं रहा कि एच वी जेड रिएक्शन है तो हो सकता है कि आपसे स्किप हो जाए कि यहाँ पर हेलोजन लगने वाला है। तो पहचान इसकी फिर से वही है पी एक्स थ्री रेड फॉस्फोरस एक्स टू के साथ, दूसरा दिया रहेगा आपको वाटर, करना क्या होगा आपको सी ओ एच है जहां पर, उससे अगले कार्बन का एक हाइड्रोजन हटा के और वहां पे क्या लगाना पड़ेगा आपको, हेलोजन लगाना पड़ेगा, ठीक है ना बेटा। रिएक्शन देख लेते हैं थोड़ी बहुत, सी एच थ्री सी एच टू सी ओ एच सेम पी एक्स थ्री कोमा एक्स टू एच टू, जैसे मैंने रिएजेंट देखा मैं पहचान गया तुरंत ही, क्या पहचान गया मैं कि सर ये तो वो वाली रिएक्शन है एच वी जेड, हाँ एच वी जेड है, तो क्या करना है जहां पर सी ओ एच है उससे अगला कार्बन उस पर हाइड्रोजन हटा के आप क्या लगा देंगे बेटा, हेलोजन सी एच थ्री सी एच एक्स सी एच, एकदम आसान रिएक्शन है, कोई घबराने वाली आपको बात ही नहीं है। और देखो एग्जांपल पी एच सी एच टू सी एच टू सी एच, फिर से सेम पी एक्स थ्री एक्स टू एच टू ओ, फिर से क्या करना रहेगा जहां पर आपको पहचान दिया एच वी जेड है, एक बार जहां पर सी ओ एच लगा है उससे अगला जो कार्बन है उसके हाइड्रोजन को हटा के अपन क्या लगाएंगे बेटा, हेलोजन पी एच सी एच टू सी एच एक्स सी ओ ओ एच। अब आप देखो कितना आसान हो गया आपके लिए, है ना, इससे आसान कुछ नहीं है, बस सारा खेल किसका है, पहचानने का, जितनी जल्दी आप ये रिएक्शन को पहचान पाएंगे उतना जल्दी आप प्रोडक्ट को
लिख पाएंगे। चलो अब पढ़ते हैं दूसरी रिएक्शन, ये तो एकदम आसान है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको, बस अगले ही CH2 पर हाइड्रोजन हटा के एक्स लगा देना है, सिंपल। अगला देखते हैं, अगली रिएक्शन, ये तो था HBZ। अगली रिएक्शन देखते हैं बेटा, अगली रिएक्शन है हुंस डीकर रिएक्शन, अगली रिएक्शन है हुंस डीकर रिएक्शन। अब ये भी रिएक्शन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फिर से बता दूं आपको, जो ये रिएक्शन को पहचान पाएगा वही इस रिएक्शन को अच्छे से कर पाएगा। रिएजेंट देखते ही आपको पहचान लेना कि हुंस डीकर है, जितना जल्दी आप पहचान लेंगे उतना जल्दी आप ये रिएक्शन को कर पाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है तो लिखते हैं इधर अपन RCOOH। अब सर पहचानेंगे कैसे, तो बेटा पहचानने का तरीका एक ही है, Ag2O दिया रहेगा और फिर आपको दिया रहेगा Br2 हीट, ठीक है ना। क्या दिया रहेगा, पहले में Ag2O और दूसरे में दिया रहेगा आपको Br2 हीट। तो जैसे ही आपने एक बार ये लिख लिया या आपने ये देख लिया तो आपने तुरंत पहचान लिया कि सर ये तो हुंस डीकर है, उसके बाद आपका काम आसान हो जाएगा ना। वो काम आसान कैसे हो जाएगा, देखिए कितना आसान है, आपको क्या करना है यहां से CO2 गायब करना है बस। तो जैसे ही CO2 गायब हो गया क्या बच गया, R है ना, देखो CO2 गायब हो गया ना, CO2 मैंने गायब कर दिया, क्या बच गया, R बच गया सर। तो ये Br आप वहां पे लगा देंगे R के साथ, RBr प्लस CO2 प्लस AgBr, एकदम आसान रिएक्शन है, बस पहचानने की देरी है। जैसे आपने पहचाना सर ये हुंस डीकर रिएक्शन है, क्या करेंगे आप CO2 गायब करेंगे, और जैसे CO2 गायब हो गया वहां पे आप क्या लगा देंगे, ये ब्रोमीन, तो RBr प्लस CO2 प्लस AgBr। अब इस रिएक्शन की खास बात क्या, अगर आप ध्यान से देखना एक बार, इधर इधर आप नंबर ऑफ कार्बन चेक करें और आप इधर नंबर ऑफ कार्बन चेक करें, क्या एक कार्बन कम हो गया मेरे पास, हो गया। तो ये इसकी खास बात है कि एक कार्बन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते जाते ये कम कर देता है, और वो कम क्यों होता है बेटा, इस CO2 के जाने की वजह से कम होता है। फिर से कुछ एग्जांपल देख लेते हैं पर इसके, है ना, CH3 COH, फिर से वही Ag2O, Br2 हीट। क्या करेंगे आप, CO2 गायब करेंगे और क्या लगा देंगे, ब्रोमीन, तो फिर से क्या बन जाएगा बेटा, CH3 Br प्लस CO2 प्लस AgBr, एकदम सरल रिएक्शन है। और देखो आप अगर और देखना चाहते हैं तो pH CH2 COH Ag2O Br2 हीट। क्या करेंगे, फिर से CO2 गायब सर और क्या लगा देंगे उधर अपन, ब्रोमीन, तो pH CH2 ब्रोमीन प्लस CO2 प्लस AgBr, कितना आसान हो गया। अगर आप सिर्फ जनरल रिएक्शन ही याद रखें ना, सिर्फ जनरल रिएक्शन, तो भी आपका काम बहुत हद तक इजी हो जाएगा, है ना। जनरल रिएक्शन भी अगर आप याद रखेंगे आपका काम आसान है। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं बेटा, फिर से Ag2O Br2 हीट। तो एक बार आपने पहचान लिया हुंस डीकर है तभी कर पाएंगे, वरना आप बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर बेटा प्रोडक्ट गैस करना। अगर आप रिएजेंट से नहीं पहचान पाए नेम रिएक्शन को कि ये रिएक्शन है, तो प्रोडक्ट गैस करना बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाता है ना, ये आप ध्यान रखें। जैसे मैंने पहचान लिया कि सर ये तो हुंस डीकर है, क्या करेंगे, CO2 यहां से क्या कर देंगे बेटा, गायब, और उसकी जगह क्या लगा देंगे अपन, ब्रोमीन, ब्रोमीन प्लस CO2 प्लस AgBr। देखो कितना आसान रिएक्शन हो गया, है ना। तो सारी की सारी रिएक्शन आसान है, जितनी भी नेम रिएक्शन है आपको पूरा एज इट इज ही एज इट इज आपको बेटा याद रखनी पड़ेगी, है ना, विद रिएजेंट। रिएजेंट याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। एक और देख लो, AgBr सॉरी Ag2O इधर Br2 हीट, फिर से CO2 गायब और ब्रोमीन लगा दो, CO2 गायब और क्या लगा देंगे अपन, ब्रोमीन। बहुत इजी हो गया ना रिएक्शन, अब बहुत इजी हो गया। तो चलो अब देखते हैं अगली रिएक्शन, अगली रिएक्शन देखते हैं,
पांच रिएक्शन अपने को पढ़ने हैं, दो अपन पढ़ चुके हैं। तीसरी है बेटा सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तब आपको याद रखना है बेटा डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2, CO2 उड़ाना है ना, ये होता है डी कार्बोक्सिलेशन। अब रिएजेंट ही मेन है इसके अंदर, तो आपका जो रिएजेंट है बेटा वो है सोडा लाइम, वो है NaOH प्लस CaO हीट, तो ये आपका है सोडा लाइम NaOH प्लस CO। तो जहां भी आपको ये दिख जाए तो इसका काम बहुत छोटा सा काम है, CO2 को उड़ा देना है बस, और कुछ नहीं है। देखो कैसे करना है आपको, एक एसिड दिया रहेगा सर RCOH, एक एसिड दिया रहा मेरे को, अब क्या करूं सर इसमें, अब डालो NaOH प्लस CaO, तो क्या कर दो हीट, क्या करेंगे अपन CO2 गायब, CO2 गायब करेंगे तो कौन रह जाएगा यहां पर H, तो आ गया बेटा RH प्लस CO2, एकदम आसान है रिएक्शन RH प्लस CO2। क्या फिर से देखना एक बार, क्या एक कार्बन कम हो गया है, बिल्कुल हो गया। तो आप याद रखें ऐसी दो रिएक्शन अपन ने पढ़ ली, एक पढ़ी इससे पिछली हुंस डीकर, एक अभी हमने ये पढ़ा सोडा लाइम, एक एक कार्बन क्या हो रहा है कम। बस एक चीज का ध्यान रखें, यहां पर हाइड्रोजन लगता है और हुंस डीकर में यहीं पर ब्रोमीन लगता है, बस सारा खेल किसका है फिर से, आपको क्या पहचाना रहेगा बेटा रिएजेंट, ठीक है ना। और एग्जांपल देख लेते हैं इसके, NaOH फिर से सोडा लाइम हीट, क्या करना है CO2 गायब, CO2 गायब तो क्या बच जाएगा हमारे पास, सिंपल एकदम आसान हो गया ना सब कुछ। देखो और देखो और देखिए CH2 COH फिर से सेम सोडा लाइम NaOH प्लस CO हीट, क्या करेंगे CO2 गायब, और CO2 गायब हो जाएगा तो क्या बच जाएगा वहां पे सिर्फ HCH3, तो कितनी आसान रिएक्शन है ना। सारा खेल फिर से किसका, रिएजेंट को पहचानने का, एक बार आपने रिएजेंट पहचान लिया सेकंड्स के अंदर रिएक्शन है ना, सेकंड्स के अंदर, ज्यादा टाइम आपको लगेगा ही नहीं। एक और देख लो आप पीएच सी एच टू फिर से, जैसे मैंने देखा था सोडा लाइम हीट है, क्या करना है CO2 उड़ाना, ये CO2 गायब कर दो, जो बचा उसको लिख दो आप पीएच CH2 CH3 प्लस CO2, है ना, एकदम सारा कुछ आपके लिए क्या हो गया है आसान। अब देख लेते हैं अपन अगली रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन, अगली रिएक्शन देख लेते हैं बेटा, उस रिएक्शन को थोड़ा एक बार ध्यान से देखना, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, जो हमारी अगली रिएक्शन है वो है कोल्बेज, कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखो इस रिएक्शन को देखो, यहां पर अपन लेते हैं पोटेशियम सोल्ट, एसिड का पोटेशियम सोल्ट, आर सी ओ एच होता है हमारा एसिड है ना, और ये हो जाएगा आपका पोटेशियम सोल्ट, एच को हटा के क्या लगा दिया अपन ने के, तो आर सी ओ माइनस के प्लस प्लस एच टू ओ इलेक्ट्रोलिसिस। अब इस रिएक्शन को देखो कैसे करना है, इस रिएक्शन को देखो, यहां से क्या गायब करना है अपने को फिर से CO2, CO2 गायब कर दिया ना, CO2 गायब कर दिया तो क्या बच गया R बच गया मेरे पास, अगर मैं यहां CO2 गायब कर दूंगा तो क्या बच जाएगा बेटा R, अगर इसी का ही एक और मॉलिक्यूल पड़ा हो, इसी का ही एक और मॉलिक्यूल पड़ा हो उसका भी CO2 गायब हो जाएगा, उसका भी क्या बच जाएगा बेटा R, तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा बॉन्ड। तो ये है प्रोडक्ट बनाने का तरीका, फिर से सुनेंगे क्या करेंगे, इसके दो मॉलिक्यूल रहेंगे, दो मॉलिक्यूल रहेंगे, एक में से CO2 गायब हुआ R बच गया अकेला, दूसरे मॉलिक्यूल में से भी CO2 गायब हुआ वो भी अकेला बच गया R, तो वो दोनों मिलकर क्या बना लेंगे बेटा बॉन्ड, तो R R प्लस CO2, ये है आपका बनाने का तरीका, प्लस साथ में आता है KOH और H2 है ना। पर जो आपको मेन चीज याद रखनी है, जो मेन चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है बेटा, वो सिर्फ ये है आर आर,
कि ये बनता है। बाकी आप डिटेल में पढ़ेंगे, ये H2 और ये वाला ना, वो आप आगे आएगा ORM में आएगा, वो आप वहां पे देखना। रिएक्शन बैलेंस आप कर लेना हिसाब से कितने QH और कितने H2 है, ठीक है। अपना जो मेन फोकस है यहाँ पर वो इस पर RR पर, अपने को वो सीखना है कैसे बना। वो कैसे बना बेटा, CO2 गायब किया R बच गया, एक और मोलिक्यूल का CO2 गायब किया R बच गया, और उन दोनों के बीच में अपन ने क्या बना दिया, बॉन्ड। तो RR प्लस 2 CO2 अपने पास आ गए। बहुत इजी है, बस सारा खेल फिर से बेटा पहचानने का है, रिएजेंट को पहचानने का ही है सारा खेल। तो स्टार्ट करते हैं, देखो CH3 COK प्लस H2O इलेक्ट्रोलिसिस। और एक बात और बता दूं आपको फिर से, पहले भी बताई वुड्स पढ़ाया था ना, वुड्स रिएक्शन पढ़ाया था ABC3 में, तब भी बताया गया था, क्या बताया था, अगर वो दो लगा के देखा तो आप आसानी से गैस कर लेंगे, सर CO2 गया दूसरे में से भी CO2 गया, उन दोनों को जोड़ दिया। लेकिन पेपर में ऐसे दिया रहेगा, पेपर में वो दो लिखेगा ही नहीं, अगर दो लिख देगा तो कोई भी आंसर दे देगा ना, फिर तो वो ऐसे लिख के देगा। तो आपको खुद पहचानना पड़ेगा इलेक्ट्रोलिसिस में ये कौन सी रिएक्शन है, ये तो कोलबेज है, और कोलबेज में तो इसके दो मोलिक्यूल लगते हैं, ये आपको खुद को पहचानना पड़ेगा तभी आप रिएक्शन आगे कर पाएंगे, है ना। तो मुझे पता है ये कोलबेज है, इसमें इसके दो मोलिक्यूल लगेंगे, तो एक से CO2 गया तो सर CH3 बचा, इसी के ही दूसरे मोलिक्यूल से CO2 गया सर फिर एक और CH3 बचा, और बेटा उन दोनों ने क्या बना लिया, बॉन्ड। उन दोनों ने क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। ऐसे अपना एल्केन यहां पर क्या हो जाता है बेटा, तैयार हो जाता है। और देखें ये जरूर याद रखना, H2 भी निकलता है साथ में, है ना। और देखें लिख देते हैं, और देखो कितना आसान है, देखो अगला प्लस H2O फिर से इलेक्ट्रोलिसिस। तो फिर से देखो ना, पीछे जो है मुझे उससे मतलब ही नहीं है, मुझे मतलब फिर से सारा मेरा रिएक्टिंग साइट पर है, और मुझे पता है क्या होता है कि सर देखो CO टूट जाएगा, ये बेचारा अकेला बचेगा, इसी का दूसरा मॉलिक्यूल उससे भी CO टूट जाएगा सर, फिर वो अकेला बचेगा और वो दोनों आपस में मिल जाएंगे। देखो जब ये CO2 गायब होगा तो सिर्फ मेरे पास बचा सर CH3 CH2, फिर सर इसी का ही एक और मॉलिक्यूल होगा सर उससे भी CO टूट जाएगा, फिर मेरे पास होगा CH3 और CH2, और उन दोनों के बीच में क्या बना जाएगा, बॉन्ड। प्लस CO2 प्लस KOH प्लस H2। एक और देख लेते रिएक्शन, ठीक है ना, CH2 COK CH2 COK प्लस H2O इलेक्ट्रोलिसिस। तो अभी अपने क्या पढ़ा, CO2 उड़ाना है, उड़ाओ सर, ये CO2 गया बहुत अच्छा गया, तो क्या बच गया, ये सिर्फ CH2 बच गया सर, ये वाला CO2 गया तो ये भी क्या बच गया, CH2। अब देखो ये वाला बॉन्ड तो पहले सही है, ये वाला बॉन्ड तो पहले सही है जो मैंने बनाया ना, ये बॉन्ड पहले सही है सर, ये CO2 उड़ गया CH2 अकेला बच गया सर, ये भी CO2 उड़ गया CH2 अकेला पड़ गया सर। हमने सीखा है अभी पीछे कि जहां जहां से CO2 उड़ जाए, जो बेचारे अकेले पड़ जाए उनको मिला दो, तो इन दोनों को भी मिला दो, जहां से दो CO2 गए हैं उन दोनों को भी मिला दो, तो क्या आएगा बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CO2 प्लस KOH प्लस H2। एकदम आसान हो गया आपके लिए रिएक्शन, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। इस रिएक्शन में हमको क्या मिलता है बेटा, देखो इधर एल्केन भी मिल रहा है और एल्कीन भी अपन ले सकते हैं, ठीक है ना, एकदम आसान है। और इसमें भी देखो, अगर आप देखें तो कार्बन की संख्या पर नजर मार सकते हैं, पहले इसमें से कार्बन कम होता है, फिर उसका डबल होता है, चार हो गया ना, तीन है, तीन में से एक कार्बन कम हो जाएगा, दो बचेंगे और फिर उसका डबल हो जाएगा, यानी 2 × n-1 अपन बोल सकते हैं प्रोडक्ट में आता है, ठीक है। तो आप अपना करके देख लेना। अगली रिएक्शन पे आते हैं, आखिरी केमिकल रिएक्शन है जो कार्बोक्सिलिक एसिड की, उस पर आते हैं, जो आखिरी रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड की। और वो क्या है बेटा, प्रिपरेशन ऑफ एसिड डेरिवेटिव। अभी हमने पीछे ही सीखा था ना, एसिड डेरिवेटिव से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनता है ना, हाइड्रोलिसिस वगैरह सीखा भी अपन ने, अब उन एसिड डेरिवेटिव को हम बनाने जा रहे हैं, तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो पहला है फ्रॉम SOCl2,
फ्रॉम SOCl2। अब देखो और ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड दिया रहा SOCl2। और अभी आपको सिखाया मैंने पीछे ABC3 में पढ़ने पड़ा था कि SOCl2 का काम छोटा सा ही है बस, कि जहां पर OH है वहां पर Cl लगा दो, है ना, पढ़ाया था। तो इधर भी वही काम है, जहां पर OH लगाए क्या लगा दो Cl। तो ये आपका तैयार हुआ बेटा RCOCl प्लस SO2 प्लस HCl। एकदम आसान हो गया ना, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि OH जहां रहेगा वहां पर क्या लगा दिया जाएगा Cl, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। यही अपन ABC3 में पढ़ा था, वही हमने यहाँ पे फॉलो किया, जो पीछे है वो सब कुछ सेम टू सेम रहेगा। और हमने क्या बना दिया बेटा, एसिड क्लोराइड। अब ये एसिड से बनते हैं इसलिए इनका नाम पड़ता है एसिड डेरिवेटिव। फिर से एग्जांपल आप देख सकते हैं चाहे तो, SOCl2। तो इस OH की जगह क्या लगाएंगे अपन, Cl, एकदम आसान है सर, CH3 COCl, एकदम इजी। और देख लो फिर से SOCl2 हीट, क्या करेंगे फिर से इस OH की जगह क्या लगा देंगे, Cl लगा देंगे अपन, सब कुछ सेम, बाकी सब सेम रहने वाला है। मुझे बस फोकस जो करना है वो रिएक्टिंग साइट पर फोकस करना है, क्योंकि पीछे का तो सर हर बार सेम रह रहा है, तो मुझे चिंता करने वाली बात ही नहीं है। चाहे वो कितना भी कॉम्प्लेक्स फोटो बना दे इधर, कितना भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना दे, अपने को टेंशन नहीं लेना, क्योंकि अपना जो मेन मकसद है वो तो इससे है बस, OH को हटा के Cl, अपना ध्यान सिर्फ उस पर जाना चाहिए, पीछे तो ध्यान देना ही नहीं है। एकदम देखो इजी इजी रिएक्शन है सब। फिर से SOCl2, फिर क्या करेगा, OH की जगह क्या लगा देगा बेटा Cl, है ना, एकदम इजी इजी रिएक्शन है, कोई घबराने वाली बात है नहीं। तो ये तो हो गई एक रिएक्शन, अगली रिएक्शन देख लेते हैं अपन। अगली रिएक्शन है किससे रिएक्टिंग कराना बेटा, अब अपन कराएंगे ROH से, यानी एल्कोहल से, विद एल्कोहल, ठीक है ना। एल्कोहल से अपन एसिड डेरिवेटिव बनाते हैं। देखो ये भी बहुत आसान है, बहुत आसान है। एसिड लिया मैंने, ले लिया RCOOH, एक एल्कोहल ले लो R-OH, इसकी रिएक्शन करानी है बस सिंपल H+ में, ठीक है ना। देखो रिएक्शन क्या होगी, बहुत आसान है, बहुत आसान है, आपको बस कुछ नहीं करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ क्या करना है बेटा, वाटर ही बाहर निकालना है और कुछ नहीं करना है। क्या बाहर निकालना है, वाटर, OH दिख रहा है, H दिख रहा है, बस हो गया आपका काम। RC डबल बॉन्ड OH, इस ROH को ऐसे लिख दो, आप लिख दिया मैंने, क्या करना है, वाटर, ये OH और ये H, क्या बाहर हो गया, वाटर बाहर हो गया। तो जब वाटर बाहर हो जाएगा तो प्रोडक्ट क्या आएगा बेटा, RC डबल बॉन्ड OOR-+ वाटर। ये अपना क्या तैयार हुआ, एस्टर, है ना, ये हमारा क्या तैयार हुआ बेटा, एस्टर। इजी रिएक्शन है, बस क्या करना है आपको, OH, H, वाटर बाहर, प्रोडक्ट तैयार। फिर से रिएक्शन देख लो आप, इसकी रिएक्शन देख लो, CH3 + C2H5 OH, क्या करेंगे आप, वाटर बाहर, ये OH और ये H, वाटर बाहर, और इन दोनों को फिर से मिला दो तो क्या बनाएंगे आप, CH3 C डबल बॉन्ड O O C2H5 + H2O, है ना, एकदम आसान। इधर से सर OH लिया जाएगा, इधर से क्या लिया जाएगा, H, और फिर उन दोनों का अपन मिला देंगे। और देखो PH CH2 COH + PH CH2 OH, फिर से क्या करना रहेगा बताओ, ये सर OH गया यहां से, यहां से क्या गया, H, और उन दोनों का अपन मिला देंगे। अगर आपको थोड़ा दिक्कत होता है लिखने में तो आप इसको ऐसे क्या, ऐसे करें कि उसका H इस साइड ही लिखें, ऐसे इसको आप ऐसे लिख लें, फिर दिक्कत आपको नहीं होगा, है ना, उसको ऐसे पलट के लिख लें, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, क्यों, फिर आपको मालूम है, फिर आप ऐसे कर सकते हैं, अच्छा वाटर बाहर, है ना, और उन दोनों को जोड़ दो, तो आपको जो तरीका आसान लगता है वो वाला अपना सकते हैं। ये देखो कितने आसान आसान रिएक्शन है ना, कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। एक और देख लो,
फिर से क्या करेंगे, वाटर बाहर, इधर से ओ एच, इधर से एच, और उन दोनों को बेटा मिला दो तो क्या हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ, इधर आ जाएगा ओ सी एच थ्री प्लस वाटर, है ना आसान एकदम। यहां से ओ एच, यहां से एच, वाटर बाहर, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी एच थ्री आप यहाँ के लग जाए, एकदम इजी रिएक्शन है। चलो दो हो गई, दो और बची हैं, वो भी देख लेते हैं रिएक्शन, इसके दो रिएक्शन और हैं, वो भी देख लेते हैं। अभी हमने जो वाटर बाहर निकाला वो निकाला एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक एल्कोहल से, तो अब जो आपके रिएक्शन है वो है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अपने को जो वाटर बाहर निकालना है वो दो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में से निकालना है, कैसे सर देखो, आर सी ओ एच, एक और लो, एक और आर सी ओ एच ले लिया ना सर, आर सी ओ एच, एक और आर सी ओ एच, क्या दिया रहेगा आपको, पी टू ओ फाइव हीट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, मतलब एच टू ओ निकालने का काम करता है, तो क्या बाहर निकालेगा, एच टू ओ, देखो कितना आसान है, इधर से फिर से ओ एच और एच, वाटर दिख रहा है सर, एक ओ एच और एक एच, वाटर बाहर, अब जो बन गया उसको बना दो आप, देखो क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड फिर ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, और ये आपका क्या तैयार हुआ बेटा, एनहाइड्राइड, ये अब आपका क्या तैयार हुआ, एनहाइड्राइड, एकदम आसान हो गया ना। देखो रिएक्शन कर लो, रिएक्शन देख लो, सी एच थ्री सी ओ एच प्लस, आपके लिए ऐसे लिख देते हैं ताकि आपको इजी पड़ जाए थोड़ा, है ना, वाटर निकालने के लिए पी टू ओ फाइव हीट, इजी पड़ जाएगा। आप क्या करेंगे सर, ओ एच एच, वाटर बाहर माइनस एच टू ओ, तो क्या बनेगा बेटा, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी टू एच फाइव, एकदम आसान हो गया, आपको घबराने वाली बात ही नहीं है। और देखो पी एच सी एच टू सी ओ एच प्लस सी एच थ्री सी ओ एच, फिर से अगर आपको ऐसे दिक्कत होती है तो इसको घुमा के लिख लो, अगर आपको थोड़ा दिक्कत होता है तो आप इसको ऐसे घुमा के लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, आंसर आना चाहिए, बस सही आंसर लाना है अपने को, पता है मुझे वाटर बाहर जाने वाला है, तो सर ये गया ओ एच और ये गया एच, और इन दोनों को मिला दो फिर से, तो फिर से क्या बनेगा बेटा, पी एच सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ सी ओ सी एच थ्री, एकदम आसान हो चुका है, बस वाटर ही बाहर आपको निकालना है। तब एक और इसकी आखिरी रिएक्शन है वो देख लेते हैं, इसकी आखिरी रिएक्शन है बेटा वो देख लेते हैं, एक और रिएक्शन देख लेते हैं इसकी, फोर्थ रिएक्शन जो है हमारी वो है फ्रॉम NH3, ठीक है ना बेटा, किससे बनाना है अपने को, NH3 से, तो अपने पास है कार्बोक्सिलिक एसिड आर सी ओ एच प्लस एन एच थ्री। अब मेरे को एक चीज मालूम है, क्या मालूम है सर, वो ये मालूम है कि आर सी ओ एच एक एसिड होता है, मालूम है आर सी ओ एच एक एसिड होता है, एन एच थ्री एक बेस है सर, ये भी मालूम है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, बेस का काम होता है H प्लस लेने का, एसिड का काम होता है बेटा H प्लस देने का, तो जब ये H प्लस दे देगा तो ये बन जाएगा आर सी ओ माइनस, और जब ये H प्लस ले लेगा तो बेटा ये बन जाएगा एन एच फोर प्लस, तो पहले तो ये रिएक्शन होता है, एसिड बेस रिएक्शन हुआ आर सी ओ माइनस एन एच फोर प्लस। अब जब मैं इसको थोड़ा हीट कर दूंगा, हीट कर दूंगा तो अब बेटा क्या होता है, इसमें से एच टू ओ क्या हो जाता है, बाहर, और जब H2O बाहर हो जाता है तो बन जाता है RCONH2 अमाइड, अब हमारा बन जाता है बेटा अमाइड, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, डायरेक्ट वो नहीं बना दिया ना, जब तक हीट नहीं दिया तब तक नहीं बनाएंगे, अगर सिर्फ इतना ही लिखा है तो ये है आंसर, जब हीट करेंगे तब ही वाटर बाहर जाएगा और तभी क्या बनेगा आपका, अमाइड बनेगा, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज को, CH3COOH प्लस NH3, ये दे दिया आपको, ठीक है ना, तो सबसे पहले तो फिर से क्या करेंगे अपन, एसिड बेस, तो CH3 CO-
NH4 प्लस, उसके बाद क्या कर दो हीट, तो बेटा क्या बाहर निकाल दो H2, H2O बाहर, तो क्या आ जाएगा CH3 CONH2। अब कोई ज्यादा घबराने वाली बात रही नहीं है, है ना, एकदम आसान है। दोबारा देख लो एक और, pH CH2 COH प्लस NH3, फिर से पहले क्या होगा एसिड बेस, तो pH CH2 CO माइनस NH4 प्लस, क्या कर दो इसको हीट कर दो, क्या बाहर हो जाएगा वाटर, जैसे ही वाटर बाहर जाएगा तो बन जाएगा pH CH2 CONH2, ठीक है ना। ऐसे आपको ये रिएक्शन सारी करनी है। ये थी इसकी आखिरी केमिकल रिएक्शन। अब एक चीज और जो बचा है अपने को पढ़ना है बेटा, वो है लैब टेस्ट। मतलब आपको ABC3 में भी बताया था, आधे से ज्यादा तो केमिकल हमको जब यूज करते हैं वो सब वाटर जैसे दिखता है, तो हम देख के नहीं पहचान सकते ये क्या है ना। तो अगर मेरे को दिया रहेगा बताओ ये पहचान के बताओ क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो जरूरी नहीं है मैं देख के बता दूंगा। तो मुझे कुछ केमिकल रिएक्शंस करनी पड़ेगी जो ये प्रूफ करेगा हाँ ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो तीन छोटे छोटे टेस्ट हैं, वो देख लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद लेक्चर को खत्म करते हैं। तो लैब टेस्ट देख लेते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि जो हमको टेस्ट ट्यूब में दिया गया है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट करने से पहले तो हम यही देख लें कि भाई साहब वो एसिड है क्या भी नहीं है, है ना। मालूम पता बाद में पता लगे वो तो एसिड ही नहीं था, और हम तब से किसका टेस्ट कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो पहले ये तो पता लगा लें कि वो एसिड है कि भी नहीं है। हाँ वो एसिड है तब देख लेते हैं कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड है कि नहीं है। तो पहला तो कौन सा होता है, सबसे आसान टेस्ट जो है वो है लिटमस टेस्ट, लिटमस टेस्ट। और आपको मालूम है जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है बेटा, कलर चेंज टू रेड। तो एक बार जैसे ही मेरे को जो सैंपल दिया रहेगा, लिटमस डाला मैंने और वो रेड हो गया, इसका मतलब वो एसिड है। अब जब मुझे मालूम पड़ गया कि वो एसिड है, उसके बाद मैं जाऊंगा टेस्ट पर कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड है कि नहीं है। तो उसका जो आपका एक और टेस्ट है वो है NaHCO3 टेस्ट, वो है बेटा आपका सोडियम बाई कार्बोनेट टेस्ट, सोडियम बाई कार्बोनेट टेस्ट। अब ये कौन कौन देता है, ये आपके देते हैं बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सल्फोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एंड सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सल्फोनिक एसिड, ये आपके टेस्ट देते हैं। मतलब RCOH और ये होता है बेटा RSO3H, ठीक है ना, सल्फोनिक होता है RSO3H। तो देखो टेस्ट कैसे आता है, टेस्ट ऐसे आता है RCOH प्लस NaHCO3, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। देखो कैसे करेंगे, तरीका आपको बता देते हैं प्रोडक्ट बनाने का। इसको मैं लिख सकता हूं RCO-H+, ठीक है ना, इसको मैं लिख सकता हूं Na+HCO3-, मैं इसको लिख सकता हूं RCO-H+, इसको लिख सकता हूं Na+HCO3-। तो बस माइनस को प्लस से मिलाओ, इस माइनस को इस प्लस से, इस माइनस को इस प्लस से, तो जो आपका बेटा प्रोडक्ट आएगा वो आएगा RCO-Na++H2CO3। अब जो ये H2CO3 है, फिर से देखो रिएक्शन हो गई, मुझे कैसे पता लगा, मैं तो उसमें ऐसे डाला रिएक्शन हो गई, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कोई विजिबल कलर चेंज, कोई फ्रेग्रेंस, कोई स्मेल कुछ तो आएगा तभी मुझे मालूम पड़ेगा ना। तो यहां पर जो H2CO3 बनता है बेटा वो आगे H2O+CO2 में टूट जाता है। तो जैसे आप रिएक्शन करेंगे, जैसे ही आपने रिएजेंट डाला, अगर CO2 के बबल्स आने लग गए तो समझ जाना वो क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर सल्फोनिक एसिड। तो वो CO2 के बबल ही पहचान है किस चीज की, कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड या सल्फोनिक एसिड हो सकता है। एक और देखो, इसी तरह से इसी के साथ होगा RSO3H प्लस NaHCO3, फिर से क्या होगा H प्लस इधर, तो ये हो जाएगा बेटा RSO3-Na+ प्लस H2CO3, जो आगे टूट जाएगा बेटा किसमें, फिर से H2O+CO2 में। और इस CO2 की वजह से हमें पता लग जाता है कि हाँ वो क्या है, कार्बोक्सिलिक या फिर सल्फोनिक एसिड हो सकता है। इसमें आपको जो एक चीज और ध्यान रखनी है, छोटी सी चीज है ध्यान रखना, और वो ये है कि जो आपका फिनोल होता है, फिनोल वो ये टेस्ट नहीं देता है,
मतलब वो CO2 नहीं निकालता है बाहर, है ना। मतलब टेस्ट ना देने का मतलब ये है कि वो CO2 बाहर को नहीं निकालता। मतलब सर जो ये मेरा फिनोल है, ये वाला टेस्ट, NaH सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देता है। लेकिन अब जब मैं यहाँ पर NO2 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 लगा दूंगा, जब मैं यहाँ पर इसके ऑर्थो और पैरा पर बेटा क्या लगा दूंगा, NO2 NO2 और NO2 लगा दिया, तो ये NaH CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट अब देता है, मतलब CO2 बाहर अब ये निकालेगा। ये है पिक्रिक एसिड। तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा कि फिनोल तो टेस्ट नहीं देता है, लेकिन पिक्रिक एसिड ये टेस्ट देता है। एकदम आसान है। अब आखिरी टेस्ट है इस लेक्चर का, वो देख लेते हैं, इसके बाद लेक्चर को अपन खत्म करते हैं आज। इसी के साथ आपका कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा होने वाला है, ठीक है ना। तो जो आखिरी रिएक्शन है वह है बेटा एस्टेरिफिकेशन, वो है एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन का मतलब होता है बेटा एस्टर बनवाना। अभी अपन ने पीछे ही सीखा एस्टर कैसे बनवाते हैं, अभी सीखा जस्ट, और आपका ध्यान होगा एस्टर कैसे बनाते हैं, RCOOH+R-OH H+। तो क्या सिखाया था अभी कि वाटर बाहर निकाल दो, तो निकालो वाटर बाहर, इधर से जाएगा OH फिर से। अगर आपको दिक्कत होती है वाटर बाहर निकालने में, सर नहीं समझ में आता है, तो ऐसे लिख लो आप। अगर आपको दिक्कत होता है वाटर निकालने में तो OH और H को आमने सामने लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। H OH, तो क्या बनेगा, RC OR+ water। ये है आपका एस्टर। एस्टर बन गया सर, एस्टर बन गया। तो मुझे कैसे मालूम पड़ा कि एस्टर बन गया, कुछ चेंज आएगा, कुछ आएगा तभी तो मालूम पड़ेगा रिएक्शन हो गया। तो वो चेंज आपका बेटा ये आता है कि जो ये एस्टर बनता है ये स्वीट स्मेलिंग लिक्विड होता है, फ्रूटी स्मेल होती है इसकी। तो जैसे ही वो स्मेल आएगी फ्रूटी स्मेल, आपको मालूम पड़ जाएगा एस्टर बन गया, रिएक्शन हो गई, और एस्टर बना है इसका मतलब वो कार्बोक्सिलिक एसिड रहा होगा, तभी वो फ्रूटी स्मेल दे रहा है। तो बस यही क्वेश्चन आ सकता है इसमें से कि इनमें से कौन ऐसे कंपाउंड हैं जो एल्कोहल के साथ फ्रूटी स्मेल देंगे। इसका मतलब आपसे बस ये जानना चाहता है कि आपको ये बात मालूम है कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जो एस्टर बनाता है और फ्रूटी स्मेल देता है। तो बस आपका काम ये रहेगा कि आपको ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड मेरा कहाँ है, सिंपल। तो यही तीन चार टेस्ट हैं और ज्यादा कुछ है नहीं इस लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कार्बोनिल कंपाउंड अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।